गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आप जो देख रहे हैं, जो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी होगी, जिसमें आपको ये बताना होगा या ये पढ़ना होगा, ये समझना होगा कि रिसोर्स किस तरह से डेवलप्ड कंट्री को इफेक्ट करते हैं, और इफेक्ट करने के साथ साथ आपको किस तरह से रिसोर्स का यूज करना होता है। जैसे आप सबसे पहले अगर बात की तो रिसोर्स होते क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, क्वेश्चन इज दैट यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो इसमें आप जो लिखोगे, रिसोर्स इज द थिंग्स वी कैन यूज आर टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, सोशियली और कल्चरली इट विल बी चेंज आर लाइफ इन कम्फर्ट, दैट इज रिसोर्स। रिसोर्स को हम कहें कि आप उसमें जो टेक्निकल आते हैं या जितने भी आपके जो सोशल हैं, कल्चर्स हैं, उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग या इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसमें जो चेंज ला रहे हैं, और चेंज करने के बाद जो सोर्स को रिसोर्स में जो कन्वर्ट किया, जिससे कि आपकी लाइफ कम्फर्ट हो गई, उसको आपने रिसोर्स कहा। तो उसके बाद में हम जो क्लासिफाइड करें कि हमारे यहाँ पे रिसोर्स किस तरह से होते हैं या कैसे कैसे रिसोर्स आपके पाए जाते हैं, तो उसको आपने कैटेगराइज किए हैं यहाँ पे फोर कंडीशन में। जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा हुआ है, बोर्ड पे देखा हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आपकी दी गई है, जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसमें दिया है बेस ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन मतलब जिसको किस तरह से आपने फाउंड किया, किस तरह से आपने इनको लिया, तो उसमें सबसे पहला जो कंटेंट दिया गया बायोटिक, और सेकंड पे दिया हुआ है अबायोटिक। बायोटिक का मीन यहाँ पे आपके यहाँ पे आ गया, जितने भी जो लिविंग थिंग्स है, जिन मोशंस होते हैं, ब्रीथ होती है, ग्रोथ होती है, वो सारे सारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, जो बायोटिक में आता है। अबायोटिक में वो आता है जिनमें किसी तरह का मोशन नहीं होता, किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता, किसी तरह की वहाँ पर ब्रीथ नहीं होती, वो सारे सारे अबायोटिक में आता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन बेस पे हो गया। सेकंड बेस पे आपका जो निकला है कि हमारे यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन या दूसरा जो क्लासिफिकेशन रिसोर्स का किया गया है, वो एक्सेसिबिलिटी पे किया गया, कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म किस तरह से होते हैं, या उसको वापस से बनाते हैं नहीं बनाते हैं, या अगर वो एक बार एंड में आ गया तो वो वापस से बनने में कितना टाइम लेगा, तो उसको कैटेगराइज में किया गया है हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो एक बार खत्म हो गया, उनको वापस से बना नहीं सकते। दीज द स्टॉक आर एंड इट नॉट बी जनरेट बाय ह्यूमन बींग्स बाय द रिसाइकल प्रोसेस। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स में वो आते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद वापस से बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड अनदर वन वी कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन इफ इट विल बी एंडेड। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ दिस टर्म इज केम टू इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, थर्ड कंडीशन पे अगर हम बात करें रिसोर्स को, जो थर्ड कैरेक्टराइजेशन किया गया है, तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक की गई है, तो वो है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब हो गया कि इसके ऊपर मालिकाना हक किस तरह से है, किन किन लोगों का इनके ऊपर अधिकार है। तो उसमें सबसे पहले दिया गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स का, किसी ग्रुप ऑफ कंपनी का, उसके अधिकार। जैसे अगर बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे किसको है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर कंपनी का राइट्स है कि वो उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसके शेयर को लोगों को सोल्ड कर सकते हैं, जो भी है वो उसका पर्टिकुलर हो गया। उसी तरह से कम्युनिटीज की अगर बात करें, तो कम्युनिटीज में हमारे यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ साथ में आपकी जो जितने भी जो पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें हो गया कि इसमें आप प्राइवेट होने के साथ साथ आपके जो लोग हैं उस उनके द्वारा भी उस रिसोर्स को यूज किया जा सकता है। जैसे इसका फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, उनको प्लेग्राउंड्स का यूज आपके यहाँ पे कोई भी आदमी कोई भी यूज कर सकता है, स्टेडियम को कोई भी यूज कर सकता है, हॉस्पिटल को कोई भी यूज कर सकता है, स्कूल को कोई भी यूज कर सकता है। नेशनल की अगर कैटेगराइज की अगर बात करें, तो नेशनल में आपको क्या होता है कि वो रिसोर्स जो एक नेशनल बाउंड्री के अंदर आपको मिलते हैं, और वो नेशनल डेवलपमेंट में आपको कंट्रीब्यूट करता है। और इंटरनेशनल की अगर बात करें, तो इंटरनेशनल में हो गया कि व्हेनेवर यू वांट टू यूज सच टाइप ऑफ रिसोर्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट। मींस कि इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जहां पे आपको परमिशन लेनी होगी इंटरनेशनल ज्यूडिशियरी से, और तभी जाके उनको आप रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। या और भी हम दूसरी लैंग्वेज में कहें, तो इंटरनेशनल रिसोर्स वो होता है जिसपे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का एक राइट्स नहीं होता है, उसको यूज करने के लिए आपको दूसरी जो कंट्रीज है जिनका भी उनमें प्रॉपर राइट है, या जितना भी उनका इक्वल राइट्स है, उन सभी की सहमति से, उनके सभी के अप्रूवल से ही आप उनको यूज करेंगे। और अदर दैट इज द लास्ट रिसोर्स ऑफ बेसिस ऑफ रिसोर्स, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की, तो हमारे यहाँ पे जो रिसोर्स का जो लास्ट कंटेंट आ रहा है डेवलपमेंट की,
डेवलपमेंट के बेस पे किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीन क्या होता है कि पोटेंशियल में जैसे अगर आप वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, गुजरात की बात करें, तो उसमें हमारे यहाँ पे आपको ये देखने को मिला जो डेजर्ट होते हैं उसमें विंड्स का फ्लो चलता है, और विंड्स का फ्लो चलता है तो वहां पे किसी भी तरह से कोई भी उसका रिसोर्स यूज नहीं किया जाता। आप उसके सोलर एनर्जी लगा सकते हो या विंड एनर्जी लगा सकते हो, जिसकी वजह से आप वहां पे अपनी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। डेवलपमेंट में अगर रिसोर्स की अगर बात करें तो डेवलपमेंट रिसोर्स में क्या होता है, डेवलपमेंट रिसोर्स में होता है जिससे कि आपको पता है कि ये रिसोर्सेज है पर उसको किस तरह से यूज करना है। दीज आर रिसोर्स बट वी डोंट हैव अ टेक्निक टू हाउ टू यूज दीज कैटेगरी इज केम टू डेवलप। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में भी यही होता है। स्टॉक में आपके यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक तो आपके पास रखा और स्टॉक रखने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये चीजें रिसोर्स में है, तो रिसोर्स में होने के साथ साथ आप उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए आप उसको यूज करें, वो आता है हमारे यहाँ पे स्टॉक में। रिजर्व के लिए अगर बात करें तो रिजर्व आपके रिसोर्स कौन से होते हैं, रिजर्व रिसोर्स वो होते हैं जो आपके यहाँ पे स्टॉक में रखे हैं, जो रिजर्व किए गए हैं, और रिजर्व करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि रिप्लेनिश हो गया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आप इन रिजर्व रिसोर्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो आपके क्रूड ऑयल की बात करें तो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कैटेगराइज हो गया है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनको जो आपकी बुक में इनको डिटेल में लिखा गया है, तो डिटेल के अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना, क्योंकि जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके जो सीबीएसई में आते हैं, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वो इन्हीं लाइंस में आते हैं, तो आपको इनको सारे सारे को डिटेल में पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है, जैसे अगर आगे आगे बात करें कि ये तो आपका जो कंटेंट जो आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, तो ये तो द बेस रिसोर्स के बेस के अकॉर्डिंग उसको ऑनरशिप में किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, तो दीज आर द ऑनरशिप। तो इनको ऑनरशिप के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑनरशिप में इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन दिया गया था। अब जो दूसरा कंटेंट आपका आ रहा है रिसोर्स पे, तो रिसोर्स की प्लानिंग क्या है उसके बारे में आप बात करोगे। रिसोर्स की प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ रिसोर्स या रिसोर्स प्लानिंग आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो इस रिसोर्स की प्लानिंग की अगर बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग में आपको क्या करना होगा, रिसोर्स प्लानिंग में आपको ये करना होगा कि जितने भी जो आपके पास में रिसोर्सेज है वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो सके। The things will be used in our future generation. That is the our duty. We have to protect and we have to limit of our overuse, over limits. That's why it will be safe for your future generation. That is known as resource planning. अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे resource planning की इसलिए जरूरत है कि हमारे यहाँ जितने भी जो resources हैं उन resources की धीरे धीरे कमी आ रही है। We can take an example. रिलेटेड टू आर वाटर, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें या फ्रेश वाटर की अगर बात करें, तो कोई टाइम था उस टाइम अगर बात करें तो उस टाइम हमारे अर्थ पे 3% फ्रेश वाटर था, 3% फ्रेश वाटर था जिसको कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम ले सकते हैं। बट टॉक अबाउट ऑन टूडेज कंडीशन, तो आज की जो कंडीशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस लेवल का जो वाटर हमें जो स्टार्टिंग में दिया गया था वो वाटर लेवल आज नहीं है। इसका जो परसेंटेज है वो 1.5 हो गया है, इसका परसेंटेज बहुत कम अमाउंट में आपके पास में पानी है। तो अगर इस पानी को हम ओवर यूज करते रहे तो ओवर यूज करने का मतलब ये हो गया कि आपके आने वाले जो फ्यूचर है, आपके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी तरह का यूज नहीं होगा, उसको किसी तरह से उनके वेल डेवलपमेंट के उनके मैनेजमेंट के लिए आपको इस पानी का आपको यूज करना होगा, या ओवर लिमिट को कंप्लीट करके उसको कम करके आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रखना होगा। जैसे दूसरी भी हमारे यहाँ पे जितने एग्जांपल है, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल है, तो क्रूड ऑयल का भी मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ रही है जब वहां पे बिल्कुल एंडिंग कंडीशन में आएगी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आएगी कि आपको उसको बिल्कुल ही ओवर लिमिट को छोड़कर एक स्मूथ वे में उसको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तैयार हो सके, फ्यूचर जनरेशन के भी स्टॉक में रह सके, ठीक है। ये हो गया आपका रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस आपके यहाँ पे आ रहा था। उसके साथ साथ एक चीज और भी दी गई थी कि आप जो रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में या रिसोर्स की जो प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए एक मीटिंग हुई थी, एक सबमिट हुआ था, वो सबमिट किया थी, वो सबमिट हुई थी 1992 में, और वो हुई थी रियो में, रियो डी जेनेरियो में।
आपके द्वारा जितनी भी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जितना भी हीटिंग आपके द्वारा जो रिलीज किया जा रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल करके आप अपने एनवायरमेंट को बैलेंसिंग किस तरह से बना सको। इसलिए जितने भी जो हेड्स ऑफ स्टेट्स गए थे उन्होंने एक साइन किया, और साइन करने के बाद उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये एग्रीमेंट करवाया कि किसी भी तरह से जो आपकी यहाँ पे फैक्ट्रीज है या कंपनीज है या जिनसे आपके जो वेस्ट केमिकल्स निकल रहे, उन केमिकल्स का जो लिमिटेशन, उन केमिकल्स को रिलीज करने का एक प्रोसेस हो, वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप रिलीज करो। वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब आप उसको रिलीज कर रहे हो तो उससे किसी भी तरह से कोई भी नेचुरल हैजार्ड आपको नहीं हो, या आपके नेचर में किसी तरह का कोई हैजार्ड नहीं हो। इसलिए आपके यहाँ पे रियो डी जेनेरियो की एक समिट हुई 1992 में, और उसी के अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि आज की जो इंडिया की कंडीशन है वो कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। वो होती इसलिए जा रही है क्योंकि जो सबमिट हुआ था उसका इफेक्ट आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिले, आज भी हमारी गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है। और जितनी भी जो कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, वो डेवलप्ड होने के साथ साथ पहला एक मेजरमेंट बनाती है, एक शॉर्टलिस्ट करती है कि कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके रिसोर्स को इस वे में आपको यूज करना होगा। इसी वे में यूज करने के साथ साथ में आपको कौन कौन से टर्म को फॉलो करना है जिससे किसी भी तरह का कोई नेचुरल हैजार्ड नहीं हो। बात करते हैं आगे, तो आगे करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या क्या चीजें आ रही है। तो उसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है आपके लैंड्स के बारे में, कि आपके यहाँ पे जो लैंड है वो लैंड को किस तरह से डिवाइड किया गया। तो लैंड की अगर बात करें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताऊं कि आपके यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो होता है लैंड। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि विदाउट लैंड वी कांट बी रन आर लाइफ, विदाउट लैंड वी कांट बी ग्रो आर फूड, विदाउट लैंड वी कांट बी मेक अ कंस्ट्रक्शन फॉर आवर अपार्टमेंट, असेस बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन, और विदाउट लैंड वी कैन नॉट बी लिव। अगर हम बात करें कि लैंड हमारे यहाँ पे है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे है, वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि हमारा जो खाना होता है, हमारा जो रहना होता है, हमारा जो भोजन होता है, वो सब कुछ लैंड पे होता है। इसलिए हमें लैंड को रिसोर्स की तरह से देखा गया है, और देखने के साथ साथ इसको भी अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। तो अगर लैंड की अगर कैटेगराइज की अगर बात करें तो लैंड को कैटेगराइज में किया गया है 6 कैटेगरी में डिवाइड। जब इसके कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिवाइड कर रहे हो एलुवियल में, एलुवियल सॉइल। सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलुवियल सॉइल, सो इन द टर्म ऑफ एलुवियल सॉइल इट इज यूजफुल फॉर आवर क्रॉपिंग। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब ये लैंड का पैटर्न आप यूज कर रहे हो तो लैंड का पैटर्न यूज करने के साथ साथ आपको जो आपकी नोटबुक में या आपके जो चार्ट पेपर होते हैं उन पे आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना होगा। उस फ्लो चार्ट में आपको करना क्या है, उन फ्लो चार्ट में जितनी भी जो लैंड्स है, मैंने जैसा अभी आपको बताया लैंड की कैटेगरी जो डिवाइड की गई है वो 6 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है, तो उसके लिए आपको अपनी नोटबुक क्या बनाना होगा, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दे देता हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में एक फ्लो चार्ट बनाना होगा जिससे कि आपका पूरा पूरा जो लैंड का जो डिवाइडेशन है या जो लैंड के जो रिसोर्स है उसको आप अच्छे से समझ सको। तो उसके लिए आपको जो फ्लो चार्ट बनाना है उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको 6-7 कॉलम बनाने होंगे, उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखोगे सॉइल, सॉइल लिखा तो सॉइल में जो भी कैटेगरी मैंने आपको बतानी होती है, जैसे एलुवियल होगी, ब्लैक हो गई, रेड एंड येलो हो गई, और उसके बाद में लैटराइट हो गई, माउंटेन हो गई, और फॉरेस्ट हो गई। ये कैटेगरीज तो आपकी हो गई जो सॉइल की है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे इसमें कि इसके रीजन्स, कौन कौन से रीजन पे ये मिलती है, कि ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलेगी, लैटराइट सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगी, फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको इसमें रीजन लिखने होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको एक थर्ड कॉलम बनाना है, उस थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे, थर्ड कॉलम में लिखोगे आप क्रॉप्स। इस क्रॉप्स में आप क्या लिखोगे, एलुवियल सॉइल में कौन सी क्रॉप की जाती है, वो आप बुक को जब कंटिन्यू करोगे, बुक में आप जब पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी दी गई है, कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन कौन सी सॉइल आपको चाहिए होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में ये सॉइल के साथ साथ में आपने लिख लिया रीजन, रीजन के साथ में लिख लिया क्रॉप्स, और क्रॉप्स के साथ साथ में आप यहाँ पे लिख लोगे कि
मिनरल्स आपको इन सॉइल्स में कौन कौन से मिलते हैं, ये सारी सारी चीजें आप इसमें लिखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो यहाँ पे जो एग्जाम में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका अच्छे से सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया कि आपके यहाँ पे 6 टाइप ऑफ सॉइल्स है और उन सॉइल को आपने जो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग लिखा है तो फ्लो चार्ट में आपको यह पता चल गया कि कौन सी सॉइल है किस कौन सी क्रॉप्स के लिए यूजफुल होती है, ओके। उसी में आपको यह पता चल गया कि कौन सी सॉइल है कौन से रीजन में मिलती है, ओके। अनदर वन, मिनरल्स कौन सी सॉइल में मिलती है और उनका रीजन कौन कौन सा है कि कौन सी सॉइल है कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले जब आप बात करेंगे एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल आपको मोस्टली इंडिया के पार्ट में मिल जाएगी और इंडिया के पार्ट में जब आपको मिल गया तो इसका मीन क्या हो गया, इट इज वेरी यूजफुल टू ऑल क्रॉप्स, कि आप इसमें मोस्टली क्रॉप्स आप इसमें कर सकते हो। इसका जो डेंसिटी होती है वो एक फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन की जो लिमिट्स होती है वो भी अच्छी होती है और जितनी भी क्रॉप्स होती है उसके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल होती है। सेकंड जो कैटेगरी की गई है इसकी, वो सेकंड कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें आता है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या होती है, जैसे नाम से पता चलता है ब्लैक का मीन्स होता है काला, तो इसमें जो होती है वो क्ले सैंड होती है। क्ले सैंड मतलब इसके जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मोलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, यू कांट बी सी इन आर सिंपल आईज, कि हम उनको अपनी आईज से उसको अच्छे से देख नहीं पाते हैं, नॉर्मली वे में हम उनको देख नहीं पा सकते। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, ये पानी को अच्छे से होल्ड करके सकती है, ये पानी को अच्छे से होल्ड करके रख सकती है। जैसे अगर बात करें शुगर कैन की क्रॉप हो गई या राइस की क्रॉप हो गई, तो राइस और शुगर कैन की क्रॉप्स के लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, बिकॉज राइस एंड शुगर कैन क्रॉप्स नीड टू मोर वाटर एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ ब्लैक सॉइल, इट इज होल्ड मोर एंड मोर टाइम वाटर इन देयर लैंड। जैसे अगर बात करें कि ब्लैक सॉइल में आप सबसे ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकते हैं और जब पानी सबसे ज्यादा होल्ड इसमें रहता है तो इसमें राइस और शुगर कैन की क्रॉप इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में पानी अब्जोर नहीं होगा इस कैटेगरी में, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड में आपका यहाँ पे आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आप इसमें सीक्वेंस आपकी बुक में देख लेना, हो सकता है ऊपर नीचे हो, इट्स नॉट बी मैटर, बट मैं वो सारी जो कैटेगरी दी गई है वो सारी छह कैटेगरी में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रेड एंड येलो सॉइल की अगर बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल की क्वालिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द नेम ऑफ दिस सॉइल रेड एंड येलो। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन का जो कलर आपने कभी देखा हो, तो कलर्स आपने जो रेड कलर उसका देखा हो तो उसके पीछे रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द माउंटेन ऑलवेज लुक लाइक अ रेड, देयर इज अ वन सिंगल रीजन, रीजन इज दैट कि उसमें डस्ट पार्टिकल के साथ साथ आयरन के मोलिक्यूल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल होते हैं और वो भी रस्टेड होते हैं। जब आयरन रस्ट वो आयरन के ऊपर रस्ट हो जाती है तो उसका एक अलग से कलर आ जाता है, वो होता है रेड टाइप या येलो टाइप में उसका एक कलर हो जाता है। और जब वो कलर हो जाता है तो उससे जब जितने भी जो डस्ट पार्टिकल कंटेन करते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल का भी कलर येलो हो जाता है, ओके। रेड की अगर बात करें तो रेड का कलर कैसे आया, तो रेड का कलर इसलिए आया कि जब आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं रस्टेड पार्टिकल होते हैं, जब उन पे रेनफॉल होती है, आयरन के पार्टिकल पे जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होने के बाद में क्या होता है, जब रस्टेड पार्टिकल पे जो वाटर का रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद वो वाटर का कलर अपने आप ही रेड हो जाता है और रेड होने के बाद में जब वो फ्लो डाउन होगा या वहां पे डिपॉजिट होगा तो उस डिपॉजिट होने के बाद जो कलर है वो सॉइल के साथ कंटेंट करेगा और कंटेंट करने के बाद वहां की जो सॉइल है वो रेड कलर में आ जाएगी। तो दैट इज द मेन रीजन इट्स लुक लाइक रेड एंड येलो और इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्रॉप्स। वो आप बुक्स में जैसे जैसे देखोगे तो आप इन सभी के बारे में डिटेल में देखते जाना, डिटेल में पढ़ते जाओगे कि हाँ ये चीजें भी है और ये चीजें भी होती हैं, होती हैं तो कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें होती है, ओके। अनदर वन इज देयर फोर नंबर पॉइंट अगर बात करें तो जैसे सॉइल हम बात कर रहे हैं, सॉइल की क्लासिफिकेशन की या लैंड के जो डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं उनमें फर्स्ट हो गया एलुवियल सॉइल, सेकंड हो गया ब्लैक सॉइल, थर्ड हो गया रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे लैटराइट सॉइल। अब लैटराइट सॉइल क्या होता है, लैटराइट सॉइल की अगर बात करें तो लैटराइट सॉइल में एक छोटा सा एक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि लैटराइट सॉइल जहाँ पे आपको मिलती है, जैसे आप बात करोगे आपके जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और सबसे ज्यादा आपको रेनफॉल वहाँ पे होता है, वहां पे लैटराइट सॉइल मिलेगी। लैटराइट सॉइल आप मैं लिखते थे यहाँ पे
अब लैटराइट सोइल जहां कहां मिलेगी, मैंने आपको बताया कि जहां पे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है और सबसे ज्यादा वहां पे रेनफॉल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा तो वहां की जो सोइल है वो स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, और चिपचिपी होने के बाद में क्या होगा, जब वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा या टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होने के बाद जो यहाँ की जो स्टिकी जो सोइल है वो स्टिकी सोइल सीधे सीधे हार्ड या सोलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ड में कन्वर्ट होगी, सोलिड में कन्वर्ट होगी। तो इसमें क्या होगा कि वो एक स्टोन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सोइल होगी जो स्टोन टाइप में हो जाएगी, जो कि यूजफुल नहीं है हमारे यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए, या हम कह सकें हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन है या हमारे यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है उनके लिए ये यूजफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके पीछे एक रीजन और भी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी भी आपने जब देखा होगा कि जब आप क्रॉप्स कर रहे हैं तो क्रॉप्स करने के लिए आपको उस लैंड में फर्टिलिटी और ह्यूमस जरूरी है, फर्टिलिटी और ह्यूमस जरूरी है। और फर्टिलिटी और ह्यूमस तब आएगी, फर्टिलिटी और ह्यूमस तब आएगी जब उसके अंदर या उस लैंड एरिया में, उस फार्म एरिया में जो वहां के जो इंसेक्ट जो जमीन के अंदर होते हैं, लैंड्स में होते हैं, जो आपको क्रॉप्स करने में हेल्प करते हैं, वो उस लैंड में होना जरूरी है। अभी मैंने बताया लैटराइट सोइल की कंडीशन, उस लैटराइट सोइल की कंडीशन में आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छे से होता है, और रेनफॉल अच्छे से होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छे से होता है। तो रेनफॉल होगा तो यहाँ की सोइल स्टिकी हो जाएगी, और उसके साथ साथ टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होने का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो सोइल स्टिकी हुई है वो स्टिकी सोइल सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाती है हार्ड शेप में, और हार्ड शेप में होगी तो यहाँ के जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं उनको ब्रीथ करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, या उनका ब्रीथ कंटिन्यू नहीं होगा, और ब्रीथ कंटिन्यू नहीं होगा तो सारे सारे डेड हो जाएंगे। दीज ऑल आर डेड एनिमल और दे नेवर बी सपोर्ट टू आवर क्रॉप्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लैटराइट सोइल है ये कभी भी हमारे यहाँ पे क्रॉप्स के लिए यूजफुल नहीं होती है। ओके, आगे बात करते हैं, इसका फिफ्थ कंडीशन आ रही है, तो इसका फिफ्थ क्लासिफिकेशन आ रहा है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन जैसे मैंने लिखा माउंटेन, तो माउंटेन सोइल अगर बात करें तो माउंटेन सोइल कैसे हो जाएगी, माउंटेन सोइल की अगर बात करें, माउंटेन सोइल जैसे आपने माउंटेन्स देखे तो माउंटेन्स का एक अलग से प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर शेप होता है, और प्रॉपर शेप होने के साथ साथ उस पर किस तरह से क्रॉप्स कर सकते हैं या उसको किस तरह से यूज किया सकता है, उस पर हम माउंटेन सोइल होती है तो माउंटेन सोइल पे जो क्रॉप्स होती है वो एक फ्लो टाइप में होती है, एक स्लोप टाइप में आप वहां पे क्रॉप्स कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे जो माउंटेन सोइल पे आपको डस्ट पार्टिकल के साथ साथ स्टोन पार्टिकल, पीपल्स वगैरह सब कुछ ज्यादा आपको मिलेगा, सिल्ट के अमाउंट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, इट्स ऑल्सो यूज फॉर क्रॉप्स, और इसमें जो क्रॉप्स कर रहे हैं वो टेरेस क्रॉपिंग और कंटूर क्रॉपिंग कर रहे हैं। इसमें दो तरह की जो माउंटेन की जो शेप होता है उस माउंटेन शेप में आप दो तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं, तो टेरेस क्रॉपिंग कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं कंटूर क्रॉपिंग। टेरेस क्रॉपिंग की अगर बात करें तो टेरेस क्रॉपिंग में जैसे आपने जैसे देखा होगा स्टेयर्स बना देते हैं, तो स्टेयर्स के अकॉर्डिंग आपने काफी अच्छे से देखा होगा कि जो आपका माउंटेन एरिया है उस माउंटेन एरिया में आप छोटे 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 स्टेयर्स बना दिए, सीढ़ियां बना दी, उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पे क्रॉप की है। पर अगर कंटूर क्रॉपिंग की अगर बात करें तो कंटूर क्रॉपिंग में होता क्या, कंटूर क्रॉपिंग का एक अलग से मेथड है। कंटूर क्रॉपिंग का मेथड क्या होता है कि जब आप क्रॉप कर रहे हैं तो एक राउंड शेप में क्रॉप कर रहे हैं, आप क्रॉप कर रहे हैं तो वहां पे एक राउंड शेप में क्रॉप कर रहे हैं, तो राउंड शेप में क्या होगा कि वेयर वाटर विल बी फ्लो ऑन द स्लोप देन द लेवल ऑफ वाटर द स्पीड ऑफ वाटर इट विल बी डिक्रीज ब्लोइंग डाउनवर्ड। कैसे, जैसे अगर बात करें कि ये माउंटेन, इस माउंटेन पे जैसे आपने जैसे मैंने अभी सर्कल बनाया, तो इस सर्कल के ऊपर में क्या होगा, इसी तरह से वहां पे क्रॉप्स की जाएंगे। अब क्रॉप्स की जाएंगे तो जैसे जैसे अभी यहां बात करें यहां से, तो यहां से बात करें तो एक अपने यहां पे सर्कल बना दिया और धीरे 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 नीचे उतर रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी बोतल का, जैसे सपोज देखिए ये बोतल है आपके पास, ये बोतल है तो एक माउंटेन है और माउंटेन इज और इस पे हम कंटूर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटूर क्रॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये इसका टॉप है, इस टॉप पे से आप यहां से स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 आप नीचे उतर रहे, धीरे 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 आप नीचे उतर रहे। नीचे उतरने का मतलब क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे, जैसे आप जितना भी आपने ट्रैक बनाया, जितने भी आपने फ्लो बनाया उस पे धीरे धीरे इसका वाटर लेवल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जहां से यह वाटर फ्लो होना शुरू हुआ है वहां पे स्पीड दी, स्पीड होने के साथ साथ जितना भी एरिया कवर करते आया तो उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है और धीरे धीरे इसका स्पीड भी कम हो गया। जैसे जैसे नीचे आएगा तो नीचे तक वाटर का लेवल धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आने के बाद यहाँ पे जितनी भी आपने क्रॉप्स की है वहां तक उसका वाटर का जो अमाउंट है या वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी अच्छे से पहुंच जाएगी और इस एरिया पे आप अच्छे से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका कंटूर क्रॉपिंग का, जो आप माउंटेन रीजन पे कर सकते हैं।
तो कह सकते हैं कि हम सिंपल लैंग्वेज में माउंटेन पे भी आप अच्छे से क्रॉप्स कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। सिक्स जो कंटेंट आपका बचा हुआ है वो सिक्स कंटेंट आपका आ रहा फॉरेस्ट लैंड कह सकते हो, फॉरेस्ट सॉइल कह सकते हो। ये थोड़ा सा हमारे जो क्रॉप्स होती है उसके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है। अनयूजुअल इसलिए है कि फॉरेस्ट लैंड में आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो फॉरेस्ट की जो लीव्स है, टेनी लीव्स है या टेनी ब्रांचेज है, वो सेट डाउन हो जाती है। सेट डाउन होने के बाद वो एक लेयर बना देती है सॉइल के ऊपर, एक छोटी सी लेयर बना देती है। लेयर बनाने के बाद क्या होगा कि जो अर्थ की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसको रिसाइकल करने का, उसको अपने प्रोसेस करने का कम जो चांस है या उसका जो टाइम वो नहीं मिल पाता है, या उसको जो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए वो प्रोसेस उनकी नहीं हो पाती है, और नहीं हो पाती है तो इसलिए वहां की जो डिकम्पोजिशन है वो कम हो जाती है, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। एक चीज और भी है, जैसे वो लेयर बन जाती है तो लेयर बनने के बाद में ना तो ऊपर का पार्ट है जो नीचे से कनेक्ट हो सकता है, नीचे वाली जो है ऊपर वाले से कनेक्ट हो सकता है, वो एक अलग से लेयर बन जाते हैं जिसपे अगर सोयर, अगर हम बात करें वाटर का, तो पानी भी अगर बह के आ रहा है तो वो पानी भी सीधा ऊपर के ऊपर ही निकल जाता है, वो सोयल के सोयल से उसको अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। तो धीरे 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 इस लेवल की जो लैंड है उस लैंड पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। लैंड एग्रीकल्चर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे सारे जो चीजें है वो बैक एंड निकल गई है, और बैक एंड निकलने के बाद में इसकी फर्टिलिटी है वो कमजोर हो गई है, और फर्टिलिटी कम हो गई तो फर्टिलिटी कम होने का मीन यहाँ पे हो गया कि आपने वहां पर क्रॉप्स करने के लिए जितने भी जो मेथड अपना रहे हैं वो थोड़े कम यूज हो पाए। उसके साथ साथ अगर बात करें कि सोयल हमारे यहाँ पे रिसोर्स की तरह से किस तरह से यूज किया जाता है, तो सोयल हमारे यहाँ पे रिसोर्स की तरह से यूज इसलिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लैंड क्या होता है, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ। विदाउट लैंड वी कैन नॉट बी ग्रो, विदाउट लैंड वी कैन नॉट बी डू क्रॉप्स, एंड विदाउट लैंड वी कैन मेक कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग, विदाउट लैंड वी कैन नॉट बी डू एनीथिंग। लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आई टोल्ड ऑलरेडी। ओके, अभी यहाँ पे क्या था, रिसोर्स को किस तरह से यूज किया, अभी लैंड को किस तरह से रिसोर्स पे चेंज किया गया। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि जब यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया कि येलो वेल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, लैटराइट हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये साथ साथ तो लैंड का डिवाइडेशन कर दिया गया। पर लैंड का डिवाइडेशन करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं लैंड एरिया पे हम किसी ना किसी तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं, किसी ना किसी तरह की जो हमारे यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, उन सभी को कंप्लीट करने का यही प्रोसेस होता है, या इन्हीं पे हम उसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे रिसोर्स किस तरह से बोला गया है, तो रिसोर्स इसलिए बोला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम की 141 करोड़ अप्रोक्स हमारी पॉपुलेशन हो गई, और जैसे जैसे अगर बात करें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन भी आगे बढ़ रही है। ओके, दूसरा रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है तो उसके लिए उनका फूड भी चाहिए जो हमारी बेसिक नीड है, उसके लिए वाटर भी चाहिए, ये भी हमारी बेसिक नीड है, और वाटर के साथ साथ में फूड के साथ में उनको शेल्टर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां से आएगी, ये सारी चीजें कहां से आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जितनी बड़ी पॉपुलेशन उसको खाना भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको आवास भी चाहिए। तो ये सारी कहां पे संभव है, ओनली ऑन लैंड इज द रिसोर्स विच हैज कंप्लीट आवर ऑल नीड। ये एक जमीन है जिसपे हम सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, हम यहाँ पे रह भी सकते हैं, हम अपने मकान भी बना सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, अपने लिए क्रॉप्स भी कर सकते हैं, और क्रॉप्स करने के साथ साथ आपकी जो जितनी भी जो बेसिक नीड्स है उन नीड्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रीजन और आ गया, जैसे रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स में क्या आ गया, रिसोर्स में सबसे पहला जो रीजन आया मैंने अभी यहाँ पे बताया 141 करोड़ के अप्रोक्स में आपकी पॉपुलेशन है, और 141 करोड़ के अप्रोक्स में आपकी जो पॉपुलेशन, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना किस तरह से आप प्रोवाइड करवाओगे, तो प्रोवाइड होने वाली जो लैंड एरिया है या प्रोवाइड करवाने वाला जो मैटर है या उसका एस्पेक्ट है वो हमारे यहाँ पे सोइल है।
अगर हम इसको बचा के रखेंगे तो हम इस पे क्रॉप्स भी अच्छे से कर पाएंगे। अब क्रॉप्स करने के लिए और मिनरल्स का यूज करने के लिए जो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट है उसको करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट का मेन यहाँ पे हो गया कि जितने भी जो मिनरल्स है उन मिनरल्स को रिलीज करने से पहले उसका मैनेजमेंट करना होगा, उसका ट्रीट करना होगा, जिससे कि हमें किसी भी तरह से ये ना लगे कि हमारी सोइल का डिकम्पोजिशन हो रहा है या हमारे यहाँ पे जो सोइल है उसको हैजार्ड हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो हमारे यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो बैरन लैंड या जो जितने भी जो अनफर्टाइल लैंड है उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज और भी है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे यहाँ पे एक चीज होती है या एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको बोलते हैं हम NGT। अब ये NGT क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है पर इसी से कनेक्ट होती चीज आ रही है तो मैं इसको लिख कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि NGT का मीन क्या है, NGT का मीन यहाँ पे आ रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि आपके पास भी जितना भी एरिया है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, इंडिया का लैंड मास आपने यहाँ पे आ रहा है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका इंडिया का लैंड मास है। तो इंडिया का लैंड मास यहाँ पे इतना आ रहा है, तो NGT ये कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कह रहा है आपको कि इसका 33% कितना परसेंट, 33% आपको रिजर्व करना होगा फॉरेस्ट के लिए। और वो फॉरेस्ट के लिए क्यों रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नेचर का बैलेंस बनाना है, आपको नेचर का बैलेंस बनाना है तो आपको इतने परसेंटेज पे फॉरेस्ट करना ही होगा, चाहे आप उसमें रिजर्व फॉरेस्ट करो, चाहे आप उसमें प्रोटेक्ट फॉरेस्ट करो, चाहे आप उसके लिए सेंचुरी बनाओ, चाहे उसके लिए आप कोई अलग से म्यूजियम बनाओ, चाहे आप उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करो, पर कुछ भी करो आपको इतना परसेंटेज आपको रिजर्व करना ही होगा। एक चीज और भी है, एक मैं आपको एक रेशियो और देता हूँ कि NGT के द्वारा जब यहाँ पे सर्वे आउट किया गया तो रिजर्व फॉरेस्ट मिलाकर के, सेंचुरीज मिलाकर के, जो आपके जितने भी जो फॉरेस्ट एरिया, उस फॉरेस्ट एरिया में जो इंडिया का जो रेशियो आ रहा है वो इंडिया का रहा है less than 10% आपके फॉरेस्ट है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आ रहा है less than 25% अप्रोक्स आ रहा है, या अगर हम इसको कंप्लीट करें तो 9.25% के अप्रोक्स में हमारे इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है। और लेस देन 25 की अगर बात करें तो इसमें 24.45% या 50 कर सकते हो, तो इतना परसेंट हमारे यहाँ पे राजस्थान में फॉरेस्ट एरिया की, राजस्थान में जितनी भी जो लैंड एरिया है उसका 33% नहीं, less than 25% आपके यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया। अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको हम रिजर्व नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके यहाँ पे जितने भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे कम होंगे। और धीरे धीरे कम होने का पीछे रीजन जो आ रहा है वो ये है कि आपका नेचुरल जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, और बिगड़ने के साथ साथ में आपके यहाँ पे जो आपकी जो नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, ठीक है। इसके लिए अभी आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, हाँ आगे आप जो अभी देख रहे हैं, जब आपने जो सोइल पढ़ा तो सोइल में एक चीज जो छूट गई थी आपसे, जो अभी मैं बताते बताते रह गया था, वो चीज क्या थी, वो चीज थी आपकी खादर और बागर। जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी जब सेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें खादर पढ़ा होगा, बागर पढ़ा होगा, बांगर पढ़ा होगा और तराई पढ़ी। देयर आर फोर कंटेंट